अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, पीरी मुरीदी की सरी हैसियत। चलो पूरा वीडियो देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया है। बुखारी मुस्लिम हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। ये जो जितना ये फितना खड़ा किया हुआ ना पीरी मुरीदी का, कहते हैं जी जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, पीर जरूर होना चाहिए, ठीक है। और जब हम पूछें ये कहां लिखा हुआ है, वो कहते हैं वो जी हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया। भाई हजरत बायजीद बुस्तामी का कुरान और सुन्नत के साथ क्या लेना देना? दीन तो उस शख्सियत के ऊपर नाजिल हुआ है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं देखें अल्लाह के नबी पीर थे सहाबा कराम के, और सहाबा कराम उनके मुरीदीन थे। अच्छा जी आगे चले, कहते हैं देखें खुलफा राशिदीन भी तो सहाबा कराम के पीर थे, हालांकि इस बैत का पीरी मुरीदी की बैत से कोई लेना देना नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो बैत ली सहाबा कराम से, एक तो ईमान के लिए, प्लस वो अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव थे ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और उनसे इख्तलाफ नहीं हो सकता था। और उसकी असल वो सूरतुन निसा की आयत नंबर 59 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए अहले ईमान इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और अपने हुक्मरान की भी। अच्छा हुक्मरान के साथ अल्लाह ताला ने अतीउ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, फर्क रखा कि एब्सोल्यूट इताअत अल्लाह और उसके रसूल की है अज़्ज़ वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी जिसकी भी इताअत है वो उस दायरे के अंदर है, व उलिल अम्र मिनकुम, और अपने हुक्मरान की भी। लेकिन साथ ही फरमा दिया उसी आयत में फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए अपने हुक्मरान के साथ तो मामला तुमने पलटाना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अज़्ज़ वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुक्मरान से भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं और मामला पलटाना है अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत के ऊपर ईमान रखते हो फिर ही तुम्हारा ये एटीट्यूड होगा और इसी में तुम्हारी खैरियत होने वाली है, इसी का अंजाम बेहतर होने वाला है। ये सूरतुन निसा आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिया। इसी के तहत हम कहते हैं कि हुक्मरान वक्त की भी बैत एब्सोल्यूट नहीं है, कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर है। पीरी मुरीदी की बैत का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं था, ये तो पैरेलल में इन्होंने सिस्टम खड़ा किया। और अगर आप मिन्नो अन वो अहादीस जो बैत खिलाफत से मुतल्लिक है उनको पीरी मुरीदी के ऊपर अप्लाई करेंगे इज्तिहाद के तौर पर, फिर सरकार बड़ा खतरनाक रिजल्ट निकलेगा, बल्कि खतरनाक निकलेगा, खतरनाक से भी अगला वर्जन, क्योंकि उसमें तो वाज़े मौजूद है बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जो खलीफे वक्त की बैत के बगैर मरा या वक्त के इमाम को पहचाने बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जब एक खलीफा की बैत हो जाए तो जो कोई भी बैत के लिए खड़ा हो उसे कत्ल कर दो। इसी पे मैंने अर्ज किया था कि अगर ये कानून मान लिया जाए फिर तो दुनिया के सारे पीर कत्ल हो जाएंगे, कोई एक पीर आपको बाकी रखना पड़ेगा। तो आप फैसला करें फिर कि क्या करना है आपने। अगर आप पीरी मुरीदी के लिए वो वाली अहादीस का सहारा लेते हैं तो मिन्नवान उसको अप्लाई करेंगे ना, तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। यहां तो एक गद्दी के ऊपर चार बैठे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं गद्दी संभालने के लिए, और बाकी जो पैरेलल में इतनी गद्दियां चल रही होती हैं जो कबाई के अड्डे होते हैं उनका कोई दीन से लेना देना नहीं। उसके लिए कुरान से दलील पेश करना, जी कुरान में भी बैत का जिक्र है अहादीस में भी बैत का जिक्र है, कितना बड़ा जुल्म है। कुरान और सुन्नत में तो लेना देना ही नहीं उस बैत का, और वो भी जो बैत थी खुलफा राशिदीन की वो भी कामिलुल ईमान मोमिनीन होने के बावजूद, और उनके पीछे अल्लाह के नबी भी खड़े थे, अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, उसके बावजूद उधर भी लोग इख्तलाफ करते थे और वो अपना डिसीजन वापस लेते थे। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है हजरत उमर के दौरे खिलाफत में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि हजरत हसान बिन साबित नातिया अशआर सुना रहे हैं हजरत अबू हुरैरा को, तो हजरत उमर खड़े हुए सिर्फ उनको देखा, उन्होंने देखने के अंदाज से ही अंदाजा लगा लिया कि ये तो अभी इससे पहले के कुछ कहें
حضرت حسان جو کہ شاعر تھے، بڑی نرم طبیعت، ابھی تو آپ کو اگر ہم بتائیں کہ جنگوں میں بھی یہ کبھی بھی تلوار لے کے سامنے نہیں آتے تھے، شاعروں کے مزاج میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کر سکیں، بڑے رقیق القلب لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی جانور کے اوپر بھی چوری نہیں پھیر سکتے، لیکن یہاں دیکھیں دلیری اتنی، اور کہا ہے عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ شعر سناتا تھا، حضرت عمر نے بھی کچھ بولا بھی نہیں ہے اور یہ بندہ اتنا دلیر ہو گیا شاعر ہونے کے باوجود کہ اس نے دیکھا بھی کیوں، یہ دلیری کس نے دی تھی ان کو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، یہ جرت کس نے دی تھی؟ آگے سے حضرت عمر نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تیامی پہ تکتا سا، نہ ہو سکتا تھا نا، بندہ دیکھے امیر المومنین کی سرعام اس طریقے سے ایک بندہ للکارا ہے، اس طرح دیکھ میرے حال سرکار، یہ کون سنتا ہے؟ آج کوئی ایک محلے کا کونسلر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس کے سامنے پرشین امپائر ڈھیر ہو چکی، رومن امپائر اسے جزیہ دے رہی ہے، اور وہ حضرت عمر تو اپنے آخری خطبات میں کہتے تھے کہ یا اللہ عرش پہ تو ہے اور دنیا پہ میں ہوں، یہ اسلام کی برکت ہے کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے طاقتور انسان کوئی نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے، یہ حضرت عمر کو ہی اللہ نے سٹیٹس دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ آسمانوں پہ تو اور دنیا پہ تو نے مجھے یہ سٹیٹس دیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی مجھ سے زیادہ طاقتور انسان نہیں ہے، لیکن میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا چچا مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تو تو اونٹوں کی اور بھیڑ بکریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو مستقبل میں کیا کرے گا، آج اسلام کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے، ٹھیک ہے، اس لیول کے اوپر ایک بندہ ہے، اور وہ پھر مزاج کا بھی سخت ہے، اور آگے سے حدیث بھی نہیں سنائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین، ہو سکتا ہے کوئی ادھر بریلوی دیوبندی بیٹھا ہوتا حدیث بھی سنا دیتا کہ حضرت سناؤ سنایا حدیث، انہوں بدتمیزی کر رہے تھوڑے نال، یہ گستاخی کر رہے، یہ بھی نہیں ہوا، تو جب انہوں نے یہ جملہ سنا، کیونکہ بات آئی تھی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لے کر آؤ، انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف نعتیہ شعر سنتے تھے بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے، جس طرح تو نے مدد فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے، اس ایک واقعے سے کتنے رزلٹ نکلے، نمبر ایک، خلیفہ راشد بھی ہو اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرے آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنی، نمبر ٹو، اعلانیہ اسے اختلاف کرنا ہے، نمبر تھری، خلیفہ راشد کا بھی کتنا جگرا ہوتا تھا کہ وہ حدیث سن کے سرنڈر کرتا تھا، نمبر فور، حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق مانتے تھے جب ہی ان کی گواہی قبول کی، لہذا روافض کا یہ کہنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا سمجھتے تھے یہ بالکل غلط ہے، اس پہ الگ سے میری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، اور نمبر فائیو، اگر حضرت عمر کو یہ پتا نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں محفل نعت ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام سنتے تھے، حالانکہ وہ اتنے بڑے جید صحابی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، ان کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی، تو سرکار اگر آپ کے کسی امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو اس میں اس امام کا مرتبہ کو گر نہیں گیا، اور جی انجینئر صاحب نے دسیا ساڑھے بزرگوں نے نہیں پتا، ساڑھے اماموں نے نہیں پتا، اور تواڑے بزرگ تے شاہی کوئی نہیں، سیدنا عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تے شاہی کوئی نہیں، اگر حضرت عمر سے یہ حدیث چھپی ہوئی تھی کہ مسجد میں نعتیہ شعر پڑھے جا سکتے ہیں تو ان کے بعد کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں، تو کسی سے کوئی چیز اوورلک بھی ہو سکتی ہے، کتنے رزلٹ نکلے، یہ اس بیعت کا سٹیٹس تھا، یہاں یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں ان کے مریدین ان سے اختلاف کر سکتے، کر کے بتائیں، کبھی نہیں کر سکتے، آپ کو سنائیں گے ممبر سے کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی سب کو اور آپ کا قد لمبا ہے، آپ نے کیسے اپنا لباس سلوا لیا، ہم اس وقت تک آپ کا خطاب نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ کلیریفکیشن نہ دیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا بتائے گا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی تو انہوں نے اپنا لباس سلوا لیا، یہ جب کوئی واقعہ سنا رہا ہو نا تو اسے آپ نے ممبر سے نہیں نیچے اترنے دینا، اسے کہنا ہے کہ حضرت میں بھی سیدنا عمر کے اس ساتھی کی سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کرنے لگا ہوں، تو آپ بھی ذرا حضرت عمر کی سنت پہ عمل کر کے نا کلیریفکیشن دیں کہ چار سال پہلے آپ اسلام آباد کی اس مسجد میں چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور ایک مٹکا رکھا ہوا تھا اور دو تین ساتھ لوٹے رکھے ہوئے تھے،
फिर ये बाद में जब सेक्टर डेवलप हुआ, यहां पे एक मस्जिद बन गई और आपकी तनख्वाह 10,000 मुकर्रर हुई थी, आज आपने गाड़ी और ड्राइवर भी रखे हुए हैं और एक शाना जिंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि आपकी तनख्वाह तो इतनी नहीं है। ये अल्लाह का इतना फजल आप पे कहां से हुआ है, जरा बताएं। ये ना उससे कहें कि आपने चंदे में से चोरी किया होगा, और ये खुद वो इंशाल्लाह खुद रिजल्ट निकालेगा और इससे पहले ही अपने मुरीदीन के जरिए आपके ऊपर झपट पड़ेगा कि मुझे चोर समझते हो। क्लैरिफिकेशन नहीं आपको कभी देगा। और पीरों को तो छोड़ दें, उनका तो स्टेटस ही बहुत बुलंद है, ये तो मैं मौलवियों की बात कर रहा हूं। हाँ, पीरों ने तो मौलवी हायर किए होते हैं अपनी मनकबतें पढ़ने के लिए। आपने देखा ये कभी उर्स होते हैं ना दरबारों के ऊपर, पीर सिर्फ खामोशी से आके बैठता है रोब कायम करने के लिए, एंड पे ना ऐसे करके दुआ करवाता है ताकि रोब रहे कि पता नहीं कितना आलिम फाजिल है। हालांकि मैं तुम्हें यकीन आ कहना नमाज भी नहीं सुना सकते सही तरीके ना। ये इनकी हालत है, तर्जमा तो छाट दो लेकिन रोब रखा हुआ, तकरीर नहीं ये कर सकते, ना ये आए सही तरीके से पढ़ सकते हैं, ना कोई हदीस सुना सकते हैं। मौलवी इन्होंने भर्ती किए होते हैं, वो आके पहले उनकी तारीफ करते हैं, उसके बाद कोई झूठे वाकयात मरे हुए के जो कब्र में पड़ा है उसके सुनाते हैं, अल्टीमेटली वो भी अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं। ये टोटल पीरों का पूरा सिस्टम होता है। यही तो देखे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब रहिमहुल्ला, उनका यही तो झगड़ा था वो अपने पैरेलल में जो दूसरी गद्दियां चल रही थी कि यार मौलवियों से क्यों तकरीरें कराते हो, खुद करो। अब पीर नसीरुद्दीन साहब तो आलम दीन थे, वो तो तकरीर कर लेते थे, उनको ये भी पता था कि ये जो दूसरे मेरे जो पैरेलल में चल रहे हैं सारे के वो ये दो भाई थे ना, ओ बाबू जी सरकार दे दो बेटे सन जी, वड्डे लाला जी थे छोटे लाला जी, तो वड्डे लाला जी की गद्दी पे तो ये बैठ गए पीर नसीरुद्दीन साहब, और छोटे लाला जी खुद जिंदा थे, वो इनके सुसर भी थे और बोलचाल भी बंद थी, क्योंकि पीर नसीरुद्दीन साहब जो है ना वो पीरी मुरीदी में ये जो पूरा सिस्टम है इसकी खराबियां हाईलाइट करते थे, किताबी शक्ल में भी तकरीरों में भी। अल्टीमेटली वो गोल्डा शरीफ इनको जुमा भी नहीं देते थे, कभी एक बार को मौका आया तो इनको एक आध जुमे की तकरीर दी जाती थी और वो उसमें भी फिर तिया पांचा करके रख देते थे। खैर उन्होंने फिर अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई और वो सारा सिलसिला उन्होंने चलाया, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, जो उन्होंने तौहीद की आवाज बुलंद की तो उस पर अल्लाह ताला उन्हें अजर दे। तो वो तो मेरी एक वीडियो आप देखें तौहीद से मुतल्लिक 10 धोखे, उसके शुरू में मैंने उनके वीडियो क्लिप्स डाले हैं, उनकी तस्वीर भी थंबनेल पे लगी हुई है। वो कितनी दिलेरी के साथ तौहीद बयान किया करते थे, वो कहते माँ पी ना मैं किसी ने कुछ नहीं दे सकता, और वो भी इसे कहते थे कि जिदे कोई है ना कोई जोर दिखा सकते आए दिखाए मैं मान लांगा। यानी यही बातें मैं करता हूं, कह रहे देखे जी बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इनको कहता हूं ना कि जी वो तख्ते बिल्कीस आ गया था, बिल्कुल आ गया था, आप जरा व्हाइट हाउस को ला के मरगला हिल्स पे रखे मैं आपको मान लूंगा। हाँ? आप रखे भी ना और हमसे ये कहें कि हम आपके बाबों की झूठी करामात माने इस बुनियाद पर कुरान में एक वाक्य रिपोर्ट हुआ है, तो सब झूठ इन्होंने मशहूर किया हुआ है। और प्ली लेते हैं ये कुरान पाक की आयात से कि जी कुरान में भी बैत का जिक्र है, भाई कुरान में नबी इस्लाम का बैत लेना है सहाबा इकराम से, वो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड है, और खुलफाए राशिदीन का अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर है और उसमें उसकी बाउंड्रीज है, इख्तलाफ राय हो सकता है। एब्सोल्युटली बैत अल्लाह की है, नबी इस्लाम भी अल्लाह के लिए बैत देते थे, इसीलिए सूरह अल-फतह में कहा गया नबी ये जो दरख्त के नीचे आप बैत ले रहे हैं इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। अंदाजा करें अल्लाह ने नबी इस्लाम के मुबारक हाथ को अपना हाथ करार दिया, क्योंकि नबी इस्लाम रिप्रेजेंटेटिव है अल्लाह के। सो दोस्तों वीडियो यहाँ पे होती है समाप्त। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। चलो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।